पाकिस्तानी जासूसी रैकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत द्वारा निष्कासित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर ने पूछताछ में बताया है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के 16 और कर्मचारी जासूसी के इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। महमूद ने खुलासा किया कि बीएसएफ और सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां निकलवाने के लिए ये लोग अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से जुड़े थे। उन्हें लगातार पैसे पहुंचाए जा रहे थे और संवेदनशील जानकारियां निकलवाई जा रही थी। महमूद के इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां पुष्टि करने की कोशिश कर रही हैं और अगर ये दावे सही पाए जाते हैं तो विदेश मंत्रालय को इस बारे में आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद से पूछताछ की थी। कूटनीतिक नियमों के तहत दिल्ली पुलिस ने महमूद को गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन उसे 48 घंटे में भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया था। इस जासूसी रैकेट से जुड़े कई लोगों की अब तक गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिनमें राजस्थान के नागौर से 3 लोग और एक सांसद के पीए के रूप में काम करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। वाकई ये खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं और अगर जांच में इस बात की पुष्टि होती है तो ये एक तरह से हमारी एजेंसियों के लिए चेतावनी है कि वो सावधान हो जाए और देश में चल रहे इस जासूसी रैकेट का पर्दाफाश करें। देखते रहिए डीबी लाइव।